हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 5 और अभी अभी उठे हैं और उठते ही कैमरा हो गया है ऑन। क्रेज़ देख रहे हैं आप। खैर छोड़ो, अभी थोड़ा सा काम की बात करते हैं। और आज का प्लान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाने का, और वहाँ करेंगे जीप सफारी। और एक्चुअली थोड़ा सा प्लान का बता देता हूँ मैं आपको। ये है कि हम जा रहे हैं टोटल 4 फ्रेंड। दो से बात हो गई है, उठ चुके हैं, लेकिन तीसरे का नंबर अभी थोड़ा सा नॉट रीचेबल आ रहा है। तो भाई थोड़ा सा लेट आया था ऑफिस से, तो हो सकता है अभी तक सो रहा है। खैर देखते हैं कब तक उठता है और कब तक हम निकलते हैं। प्लान है 6 बजे निकलने का। अगर टाइमली, यहाँ से रामनगर रहेगा लगभग 300 किलोमीटर है, तो मुझे जो लगता है कि लगभग 5 घंटे लगेंगे, 5 से 5.5 घंटे। आराम से ब्रेक लेते हुए जाएंगे तब भी इतना ही टाइम लगने वाला है, क्योंकि रोड काफ़ी शानदार बने हुए हैं। उत्तराखंड के रोड तो आपको पता ही होगा कि काफ़ी शानदार होते हैं। और यहाँ से भी मतलब 300 किलोमीटर पूरा हाईवे हाईवे है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बीच में ब्रेक लेते हुए भी जाएंगे। और ये है कि चलो मैं आपको थोड़ा सा ना तब तक जिम कॉर्बेट का बता देता हूँ और जिप सफारी का बता देता हूँ कैसे क्या रहता है। जो ये हमारा जिम कॉर्बेट है, ये है एशिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क। लगभग 1300 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसमें काफ़ी जोन है। डिकाला है हमारा, दुर्गा, जो हमारा जो जोन बुक है वो है दुर्गा देवी जोन, वो है, काफ़ी और भी हैं। और डिकाला वगैरह की ये है कि बुकिंग रहती है थोड़ी सी एडवांस। अगर आपको डिकाला करना है तो 30 डेज एडवांस बुकिंग रहेगी। एक्चुअली जो हमारे आज के गाइड रहेंगे, हमारे रवि, उन्होंने हमें बताया कि अगर आपको, उन्होंने बताया कि डिकाला करना है तो आपको 30 डेज एडवांस बुकिंग करानी पड़ेगी। खैर कोई नहीं, प्लान हमारा बना सडनली 4 दिन पहले तो प्लान बना है यार, तो 30 दिन पहले वाली एडवांस बुकिंग कैसे हो सकती है। तो सोचा दुर्गा देवी जोन मिल रहा था तो सोचा यही कर लेते हैं। और बाकी सिर्फ जिम कॉर्बेट का प्लान नहीं है, नैनीताल भी जाना है, रानीखेत वगैरह भी घूमने जाना है। तो 3 दिन का ऑफ आ रहा था, 3-4 दिन का, तो सोचा प्लान बना लेते हैं, घर बैठे बैठे क्या करेंगे, इसलिए निकल गए हैं। और जो मौका मिल रहा है घूमो भाई, और क्या करना है ज़िंदगी में, यही तो करना है। खैर और बाकी हम बात करेंगे। रामनगर पहुँच के पहुँचते हैं, देखते हैं कब तक निकलते हैं और कब तक हम पहुँचते हैं। बाकी आपको मिलते हैं राम। सो गाइज, हम पहुंच गए हैं रामनगर और वहीं पे गाड़ी पार्क करके निकल गए हैं जिम कॉर्बेट के लिए। जो यहाँ से हमारा जो मेन गेट है, जहाँ से हमारी जिम सफारी स्टार्ट होगी, दुर्गा देवी जोन जो है वो है यहाँ से 12 किलोमीटर। और आज के हमारे गाइड है रविंदर सिंह, और ये हमें रामनगर में मिल गए थे। वहीं पे हमने अपनी गाड़ी पार्क करके इनके साथ, इनकी जीप में बैठ के हम निकल गए हैं। और ये देखो, ये ऑन द वे हैं हम। तो जब हम रामनगर से जिम कॉर्बेट के लिए निकलते हैं, ये उसके रास्ते के व्यूज़ हैं। और जो हमारे रविंदर सिंह है, जो गाइड है, वो इस जिम कॉर्बेट की हमें पूरी हिस्ट्री भी बताएंगे कि ये कब बना था और क्या क्या कैसे कैसे इसकी स्थापना हुई। और तब तक इनकी जुबानी सुनिए और तब तक ये व्यूज़ एंजॉय कीजिए, और फिर हम मिलते हैं मेन गेट पे, एंट्री गेट पे। ओके बारे में कुछ बताइए जिम कॉर्बेट। देखिए, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है हमारे इंडिया का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है ना। हाँ जी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1936, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले ये नेशनल पहले हुआ था, बन चुका था, है ना। ओके। तो इसका जो फर्स्ट नेम था वो हैली नेशनल पार्क था।
हैरी नेशनल हैली ब्रिटिश गवर्नर थे ओके तो उनके जब 1936 में इस पार्क की स्थापना की गई तो इस पार्क का नाम जो है हैली नेशनल पार्क रखा गया ओके फिर सेकंड जब हमारा देश आजाद हुआ तो इसका नाम चेंज होके राम गंगा नेशनल पार्क रखा गया है ना ये देखिए ये ढिकाला वाला जोन है हमारा है ना ओके तो जो है जब 1945 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो इस पार्क का नाम जो है चेंज होकर राम गंगा नेशनल पार्क पड़ा राम गंगा जो है कॉर्बेट की लाइफ लाइन है ना और परमानेंट रिवर है ठीक है ना ठीक है तो फिर सेकंड जब 1972 में जिम कॉर्बेट साहब एक्सपायर हुए तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और फॉरेनर टूरिज्म बढ़ाने के लिए पार्क का नाम जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया है ना ओके तो जिम कॉर्बेट नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सोचा कि अगर ऐसे ही टाइगरों का अगर शिकार होते रहा तो आने वाली पीढ़ी जो है टाइगर नहीं देख पाएगी तो उन्होंने जो है इसके लिए एक प्रस्ताव रखा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है ना जो प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया और 1936 में इस पार्क को जो है रिजर्व कर दिया ओके तो इसका जो एरिया है वो काफी बड़ा एरिया है 1288 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर का जिम कॉर्बेट का अपना पर्सनल एरिया है ना ओके और ये नेशनल पार्क ऐसे करके हरिद्वार राजा जी नेशनल पार्क को टच करता है ओके और ऐसे करके नेपाल तक वाओ एशिया के अंदर अगर सबसे लंबा माइग्रेशन किसी फॉरेस्ट में होता है माइग्रेशन जानते हैं आप इधर से उधर जाना ओके okay, तो वाइल्ड एलिफेंट होते हैं वो नेपाल से होते हुए आते हैं जिम कॉर्बेट और जिम कॉर्बेट से होते हुए जाते हैं राजा जी नेशनल पार्क अपने फूड के हिसाब से अप एंड डाउन वो ऐसे ही चलता उनका तो जो वाइल्ड एलिफेंट होते हैं वो 24 आवर्स में से 18 आवर्स खाता रहेगा करता रहेगा और चलता रहेगा प्रकृति ने उनको एक जिम्मेदारी सौंपी है जैसे हम लोग अपने घरों में माली रखते हैं okay. जंगल में हम नेचर में माली नहीं रख सकते माली नहीं रख तो यहाँ पे जो माली की भूमिका निभाता है वो एलिफेंट्स होते हैं okay. अगर हाथी नहीं होंगे तो फॉरेस्ट डेंस हो जाएगा और एलिफेंट्स अगर एक जगह पे रुक गए तो जंगल खत्म हो जाएगा तो ये एक इकोसिस्टम काम कर रहा है ना एक फूड चेन यहाँ पे जो है काम करती है हेलो किसी भी एनिमल्स को किसी भी तरह का जो है फूड प्रोवाइड नहीं किया जाता नहीं किया जाता अपने खाने की व्यवस्था वो खुद कर ले मारो और खाओ यहाँ पे जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ओके जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा चाहे वो टाइगर है चाहे वो एलिफेंट है चाहे वो बर्ड है चाहे एक्स वाई जेड कोई भी एनिमल है ओके अगर उसने जंगल में फिट रहना है तो सर्वाइव करना है तो फिट रहना बहुत जरूरी है तो यहाँ पर क्या है एनिमल टाइगर अगर किसी फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा कहीं पे टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ओके ये जो फॉरेस्ट है टोटल हिमालय की फोटेल हिमालय रेंज पे ये फॉरेस्ट बना हुआ है ना और जो है यहाँ पे 65% साल फॉरेस्ट है और टाइगर जो है वार्म ब्लडेड एनिमल होता है तो टाइगर को ठंडी जगह चाहिए टाइगर जो है -10 degrees तक भी अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेता है ज्यादा गर्मी अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाता है ठीक है ना और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है बर्ड वॉचिंग के लिए भी काफी फेमस एरिया है पूरे इंडिया में अगर 1200 स्पीसीज बर्ड की है तो 600 जिम कॉर्बेट में पाई जाती है और 250 प्रकार की बर्ड्स ऐसी जो माइग्रेटरी बर्ड्स है सीजन में आती है और फिर वापस चली जाती है यहाँ पे क्रोकोडाइल एलिगेटर 4 किस्म के डियर बियर है ना रेड जंगल फाउल ओके मतलब टोटल जो है 53 प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं फॉरेस्ट जो है 12 महीने एवर ग्रीन रहता है ओके है ना और ये जो है नो पॉल्यूशन जोन है पॉल्यूशन यहाँ का वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे कई जगहों के ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करता है बारिश होने में मदद करता है ना और इस जंगल के अंदर कई ट्रीज ऐसी हैं जो 24 आवर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं है ना इसीलिए एनवायरनमेंट काफी अच्छा है यहाँ का फाइकस फाइकस का नाम आपने सुना होगा सुना है ना बेनियंस बेनियंस वो भी देते हैं ये क्या 24 आवर अपने 24 सेंटीमीटर का जो ब्रेथ वाला जो एरिया होगा इसमें 24 आवर ऑक्सीजन तभी इसलिए यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पर जब कुछ भी चीज उठाई नहीं जाती है कुछ भी चीज ले जाई नहीं जाती है इस जंगल में किसी प्रकार का किसी भी तरह से कोई भी कटान हटान नहीं होता है ओके देवी का एंट्री गेट यहाँ से हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टार्ट होगी और यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे और फिर आगे आपको अंदर के व्यूज दिखाते हैं हमने कर लिया एंट्री दुर्गा देवी जोन में और हम ये यहाँ पर जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ थोड़ी सी एंजॉय करने के लिए होप सो कुछ
टाइगर्स वगैरह एंड एलिफेंट्स वगैरह देखने को मिले, बाकी डिपेंड करेगा, इट्स अप टू देम कि वो हमें पक्की लक पे भी डिपेंड करेगा, किस्मत अच्छी होगी तो कुछ देखने को शायद। क्या नज़ारे हैं यहाँ पर, ग्रीनरी तो माशाल्लाह कोई जवाब ही नहीं है। जो खुशबू आ रही है एयर की, इतनी फ्रेश एयर है, इतनी फ्रेश एयर है आज तक कहीं नहीं देखी अभी तक, लेकिन जो मतलब महसूस किया, मतलब देखी नहीं महसूस किया जो भी है, अब मैं वीडियो में आपको बता नहीं सकता, अब अगर आप आओगे तभी आप कुछ इसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो मतलब क्या एक्सप्लेन करूँ मैं, बाकी चीज़ होती तो मैं कुछ फ़ोटो खींच के कुछ दिखा सकता था आपको, लेकिन ये चीज़ नहीं दिखा सकता। ये देखो क्या चल रहा है यहाँ पर, कौन है, मुकेश, हमारे मुकेश शर्मा जी हैं, ये हमारे लोकेश भाई हैं, ये हमारे मोहित भाई हैं, हम सारे कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर है, जिम गवर्नमेंट, गाइस दिस इज आवर जेबीएल प्रो गोप्रो गोप्रो, और यहाँ पर गवर्नमेंट नेशनल पार्क में एंजॉयमेंट हो रहा है पूरा, और गानों के साथ चल रही है हमारी जीप सवारी, यो यो हनी सिंह, एनिमल का व्यू तो भाई पता नहीं कितनी कितनी देर में आ रहा है, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट तो हमें भी चाहिए, इसलिए हम अपना जेबीएल गो के साथ मखना लेकर के इन सबसे मिल रही है, और आप इसको एंजॉय कीजिएगा जिम को। बाकी यहाँ पे बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आओ यहाँ पे इस मौसम में तो अच्छे से अपना कपड़े पैक। जनवरी में तो वैसे ही ठंड हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट टाइम क्या है आने का आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, सनलाइट क्योंकि नेचर है, जो जंगल अपना मौसम व्यू ऑफ द सनलाइट जो पास होके आ रही है भाई जबरदस्त। ये देखो हमें क्या मिला है, इनका नाम है स्पॉटेड डियर, और इनका कलर कुछ ऐसा है कि आप इनको अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप इनको मिस कर जाएंगे, और ये पूरी पूरी फैमिली है इसलिए देखना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 6-7 घूम रहे हैं खाने के उसमें, और क्योंकि इनका कलर देख कैसा है कि ऐसा ही मिट्टी का कलर है, ऐसा इनका कलर ये ना मिक्सा हो जाता है, और ऊपर से पेड़ों में घुस के इनके इनको देखना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, और इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, आप इनको बस इन्जॉय कीजिए। गाइज अगर आप नेशनल पार्क में घूम रहे हैं ना तो आपको बड़ा अटेंटिव रहना पड़ता है, कुछ नहीं पता किस पल कहाँ से क्या निकल के आ जाए, सो जैसे यहाँ पर एकदम से ही आया हमारे, हमें यहाँ पे ना एक डियर दिखा है, ये तो ठीक है सेफ एनिमल ही, हमें मतलब हार्म नहीं पहुँचाने वाला, लेकिन देखो बिल्कुल पास में है, और ये है ना बहुत लाइटली आपको बहुत फोकस करने पर नज़र आएगा, क्योंकि यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ये अगर मूव करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ कुछ है यहाँ पर हलचल हुई है, अगर ये सिर्फ खड़े हैं तो देखना बड़ा मुश्किल होता है इनको, क्योंकि ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि ये ना पेड़ों में ना ऐसे चिप जाते हैं कि जैसे कुछ यहाँ पर है ही नहीं। साले अपनी वाली भी ऐसे ही होएगी, ये देखो यहाँ पर गाड़ी स्लिप कर रही है बारिश की वजह से, कीचड़ हो रखा है, 4x4 होने के बावजूद गाड़ी फंस गई है। हमारी गाड़ी तो निकल गई है भाई, हमारी गाड़ी, हमारा सुन रहे हो गाड़ी की आप, क्या बात है, कोई नहीं रोकता भी तो वो मांग दे गाड़ी फंस गई है, देखते हैं कब तक निकलती है।